आज देश के युवा आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पहले नौकरी के पीछे भागने वाले युवा आज स्वरोजगार के विकल्प को चुन रहे हैं, जिससे वो न सिर्फ अपनी आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ देश की तरक्की में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मंडी जिले के लांगना गांव में रहने वाले सुनील दत्त की, जिन्होंने मशरूम की खेती को अपनाकर युवाओं के लिए मिसाल पेश की है, क्योंकि इस खेती से सुनील सालाना 35 से 40 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। पिछले 6-7 सालों से यहाँ मशरूम की कांगड़ा अनुई में मशरूम की खेती कर रहा हूँ। मैंने 2005 में अपनी MSc हॉर्टिकल्चर में उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैं 5-6 साल जो है प्राइवेट सेक्टर में काम किया। उसी दौरान बीच में गवर्नमेंट जॉब का भी मौका मिला, लेकिन मेरे प्राइवेट सेक्टर में मैं मशरूम के बारे में उस टाइम तक काफ़ी नॉलेज मेरे को हो गया था। और उसके साथ साथ ही फिर मैंने 2012 में यहाँ कांगड़ा जिला के अनुई गांव में ज़मीन खरीदी, अपने ही इस कमाई से खरीदी। उसके बाद मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं अपने एक स्वरोजगार स्थापित करूं और उसके साथ साथ लोगों को भी मशरूम की जानकारी दूं, क्योंकि जब मैं जॉब करता था उस टाइम काफ़ी लोग छोटे छोटे लोग यहाँ मैंने सुना कि हिमाचल में मशरूम लगा रहे हैं, लेकिन उनको तो 1-2 साल चलाने के बाद उनको दिक्कतें आ रही थी, घर में लगाते तो प्रॉब्लम आ रही थी। कड़ी मेहनत के बल पर आज सुनील लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इस प्लांट में वो हर दिन 5 क्विंटल तक मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे वो सीमांत राज्य जम्मू, पंजाब और प्रदेश के अन्य जगहों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। खास बात ये है कि सुनील अपने मशरूम यूनिट में 25 स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। 2016 में बैंक ने मेरा लोन जो है, मेरे को बैंक से लोन मिला। उसके साथ साथ ही हिमाचल गवर्नमेंट ने भी मेरे को सब्सिडी के रूप में काफ़ी हेल्प की। जो उद्यान विभाग है हमारा, वहाँ काफ़ी अच्छे लोग जो अपने ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को इसके लिए प्रेरित किया, उन्होंने मेरे साथ चले और मैंने 2016 में अपने इस यूनिट को स्थापित किया। तो आज मेरे जो है मैंने 100 किलो प्रतिदिन जो है मशरूम की पैदावार से आज मेरी 400 से 500 किलो प्रतिदिन जो है मशरूम की पैदावार है। और ज़्यादातर जो है मशरूम की सप्लाई जो है मेरी जम्मू, पठानकोट, हिमाचल, पालमपुर और यहाँ धर्मशाला जो है यहाँ सप्लाई की जाती है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि मशरूम उत्पादन से उन्होंने समाज में एक अलग पहचान भी बनाई है। सूर्य समाचार के लिए कांगड़ा से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।